पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है। आइए हम उसके वचन की ओर ध्यान लगाए और सीखने की जिज्ञासा के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, और ताकि परमेश्वर का वचन हमें आज कुछ सिखाए और हमारे ज़िंदगी में एक नई बातें होने पाए और इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। आज जो वचन से मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ वो मिलेगा मत्तियो सुसमाचार उसका 21वीं अध्याय में 12 से 14 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा, यीशु ने मंदिर परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उससे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु की स्तुति उस वचन के लिए। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे ऐसा लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु से पहले यरूशलेम में प्रवेश करता है। जब वो यरूशलेम में प्रवेश करता है और उस वक्त यीशु जब मंदिर में जाता है, उस दौरान जब प्रभु मंदिर में जाता है तो प्रभु कुछ ऐसी बातों को मंदिरों में देखा जो परमेश्वर यीशु के मन को विचलित कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह या परमेश्वर जब मंदिर का निर्माण किया था या जो टावरनकल या जो विश्राम परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो तंबू या फिर जो मिलाप वाले तंबू का निर्माण करने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा था, उसके पीछे परमेश्वर का मकसद कुछ और था। क्यों परमेश्वर मंदिर को बनवाने के लिए अपने लोगों से कहा, क्यों प्रभु मूसा से कहा मेरे लिए तंबू बनाना? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उनके लोगों के साथ परमेश्वर का मिलने का एक जगह हो जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिल सके, जहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर से मिल सके और वहां पर परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों का मिलने का एक वास स्थान बन जाए, वही है मंदिर। और इस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने मंदिर का निर्माण किया। लेकिन जब यीशु मसीह के समय यीशु जब यरूशलेम में आया, यीशु मसीह ने मंदिर में जो चीज़ें हो रही थी वो देखकर प्रभु का जो हृदय है वो टूट गया। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मंदिर में जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया, सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियाँ उलट दी और उससे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर का एक उद्देश्य है। अगर परमेश्वर ने एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर का एक उद्देश्य है, उस मंदिर के पीछे एक पर्पस है। और जब वो मंदिर उस पर्पस के लिए या उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं होता है तो सृजनहार परमेश्वर उस मंदिर के मिसयूज के लिए परमेश्वर का हृदय जो है वो बड़ा पिघलता है और बड़ा वो खेदित होता है और वो उस मंदिर से प्रसन्न नहीं होता। अब परमेश्वर का वचन यह कहता है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए मंदिर में लेन देन होना चाहिए था, मंदिर में बलि भी होना चाहिए था। यहाँ जो हो रही है वो कोई क्या बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि मंदिर में परमेश्वर ने कहा था कि मेरे मंदिर में अगर कोई पाप बलि ले आना चाहे और बलि चढ़ाए तो मैं उसके पाप को सुनकर क्षमा करूंगा। ध्यान से समझिएगा, तो मंदिर में वो सारी चीजें होनी चाहिए थी जिसको लोग ले और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। वहां पे ये सारी बातों का सुविधा उपलब्ध होना चाहिए था, इसके लिए परमेश्वर उसके लिए नाराज नहीं है। ध्यान से समझेगा, लेकिन परमेश्वर ये चीज चाह रहा था कि मेरा मंदिर बनाने के पीछे जो मकसद था, मेरे लोग मेरे पास आत्मा और सच्चाई के साथ मेरी उपस्थिति में आए, मुझसे दुआ करे, मुझसे मिले, मैं उससे मिलूं, मैं उनके पापों को क्षमा करूं, वे अपने पापों के लिए मेरे सामने पश्चाताप करें, बलि चढ़ाए। अरे प्रभु, ये आत्मिक वातावरण के लिए मंदिर बनाया था।
लेकिन कुछ समय बीतने पर जब समय गुजरता हुआ चला गया, वे लोगों के अंदर से पवित्रता चला गया, वे लोगों के अंदर से वो सीरियसनेस चला गया, वे लोगों के अंदर से परमेश्वर को वो सच्चा आदर, सच्चा भक्ति, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली जो हृदय से आने वाली आराधना, वो हट चुका था और मंदिर में केवल रीति और रिवाज चलना आरंभ हो गया था। क्या ये वचन आपसे बातें नहीं कर रहा है? मैं हर एक मसीह से मैं पूछना चाहूंगा, जब हम शुरुआती तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु से प्रेम हो जाता है, हम बपतिस्मा लेते हैं और हमारा जीवन प्रभु में बहुत अच्छा रहता है, हम बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब हम वचन में भी बढ़ रहे हैं, दुआ में भी बढ़ रहे हैं, देखिएगा शायद आपके जीवन में परमेश्वर वचन बातें करे, फिर कहीं ना कहीं हम आत्मा और सच्चाई की आराधना छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हमारा वचन पढ़ने का लगाव छूट जाता है, कहीं ना कहीं हमारा दिल से प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना छूट जाता है। उसके बाद हम मानो एक ऐसा मसीह बन जाते हैं जो केवल अपना ड्यूटी पूरा करता है कि हर दिन सुबह उठे, एक चैप्टर पढ़े, हर दिन सुबह उठे, कुछ देर दुआ किए, खाने से पहले दुआ, कहीं बाहर जाने से पहले दुआ, और ऐसा करते हुए हम ये समझते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है और मैं मेरे परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा कर रहा हूं। लेकिन याद रखिए, प्रभु ने यह मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि लोग इसको बहुत हल्के में ले, लोग इसको बहुत ऐसा ले मानो कि प्रभु से मिलना दूसरा नंबर में आ गया, लेकिन बलि चढ़ाना, लेन देन करना, कबूतर बेचना, पैसों का यहां हुआ करना, ये वो लोग पहला स्थान दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने मंदिर इसलिए बनाया कि मंदिर का पहला स्थान परमेश्वर को मिले और परमेश्वर अपने लोगों को उस मंदिर में से बातें करे। आपको याद होना चाहिए कि परमेश्वर का जो सखेना है, जो प्रभु का जो महिमा है, वो मंदिर में अति पवित्र स्थान के अंदर में जो संदूक रखा जाता था उसके ऊपर आता था। और प्रभु की उपस्थिति क्यों आता था? कि प्रभु अपने लोगों से प्रेम करता, प्रभु अपने लोगों से मिलने की चाह रखता। हमारा खुदा ऐसा खुदा नहीं जो वो अकेला रहना चाहता है और हमें अकेला कर देना चाहता है, नहीं, वो एक ऐसा खुदा है कि हमसे अगर पाप भी हो जाए तो वो हमसे मिलने आदन के बगीचा में जरूर आएगा। परमेश्वर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जब आदम हवा ने पाप कर लिया, उसके आज्ञा के विरोध चला गया, इसके बावजूद परमेश्वर उस दिन भी आदम हवा को मिलने के लिए आया। कितना महान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य के साथ उसकी संगति हो, इसी संगति को स्थापित करने के लिए, बरकरार रखने के लिए परमेश्वर ने मंदिर का निर्माण किया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब मंदिर कुछ अलग स्थान बन चुका है, अब मंदिर बिजनेस बन चुका है, अब मंदिर केवल बलि चढ़ाने की वस्तु बन चुका है, अब मंदिर में केवल लोग आते हैं, अपने जानवरों को बेचते हैं, और एक हल्का सा, मतलब हृदय से नहीं, एक रीति रिवाज मंदिर में घुस चुका था और परमेश्वर इस रीति रिवाज को तोड़ना चाहता है। इसके प्रभु चाहता है कि हम और आप जब कलीसिया आए तो कलीसिया में इसलिए ना आए कि हम कुछ कलीसिया से मुझे कुछ मिले। कुछ लोग कलीसिया में इसलिए दान देते हैं, इसलिए दसवांश देते हैं, इसलिए डोनेशन देते हैं, उनके मन के पीछे एक उद्देश्य होता है कि अगर मैं प्रभु को दूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे देगा। जी हाँ, आपका परमेश्वर, आप जब दोगे प्रभु आपको देगा, लेकिन वही मनसा के साथ नहीं, बल्कि बड़े प्रेम के साथ कि मेरा खुदा, मुझे आपसे प्रेम है, इसलिए मैं आपके लिए सारा चीज करता हूँ। शुरुआती तौर पे हम घुटने में आराधना करते हैं, ताली बजाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बड़ा प्रेम हमारे हृदय में होता है, लेकिन जैसा जैसा समय गुजरता हुआ जाता है, हम भी अपने आप को रीति रिवाज जैसा मसीह बना लेते हैं। फिर हमारा प्रार्थना जीवन, चर्च आना, बाइबल पढ़ना, दान देना, दसवांश देना, एक रीति रिवाज के जैसा होता है। आप जब रीति रिवाज के जैसा आप करते हो, याद रखिएगा, आपका परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है यूहन्ना की किताब में,
उस सामरी स्त्री से प्रभु ने ऐसे कहा कि देखो एक दिन ऐसा आएगा, वरन अब भी है, कि मेरे लोग सच्चे भक्त मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और वहाँ पे सच्चाई होगा, वहाँ पे आराधना होगा, और वहाँ पे हर कोई व्यक्ति दिखाने के लिए नहीं, रीति रिवाज के लिए नहीं, काम के चलते नहीं, कुछ अलग उद्देश्य के साथ नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे। प्रभु ने मंदिर इसलिए बनाया था कि मंदिर में लोग आने वाले एकदम सच्चाई के साथ उसकी उपस्थिति में बलि चढ़ाए, ना कि रीति रिवाज हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब रीति रिवाज कलीसिया में चलता है, जब बिजनेस कलीसिया में चलता है, जब कलीसिया में जब लोग जब आते हैं, अगर वो चाहता है, जो ऐसे सोचते हैं कि मैं प्रभु को देता हूँ, गिव एंड टेक पॉलिसी अगर हम सोचते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा, आपको आशीषित करने के लिए नहीं, शायद आपको डांटने के लिए, शायद आपको फटकारने के लिए, कि मेरा बेटी मेरा बेटा मैंने कलीसिया इसलिए नहीं बनाया कि कलीसिया में बिजनेस हो, तुम कुछ दो और मैं कुछ दूँ, इसके लिए मैं कलीसिया नहीं बनाया, परंतु मैं कलीसिया इसलिए बनाया कि कलीसिया में मैं तुम लोगों से मुलाकात करूँ। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा गया है, इतिहास के किताब में वो ऐसा प्रभु ने कहा कि आज से जो प्रार्थना इस भवन से की जाएगी वो प्रार्थना में सुनूंगा। मालूम है भवन प्रार्थना का सुना जाने वाला एक स्थान है। इसे हम रीति रिवाज में मत ले आए, ट्रेडिशन में मत लेके आए, इसे अपने भावनाओं के अनुसार मत करें, बल्कि परमेश्वर के उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से करें। और प्रभु का वचन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कुरिन्थियों के किताब में पहला कुरिन्थियों उसका 3:16-17 में ऐसा लिखा गया है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम ही मेरे मंदिर हो। अब मंदिर का काम क्या पता है, यह यीशु कहता है, मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहता हूँ, 13 में यीशु कहता है, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मंदिर का काम क्या है, अगर आप एक एक मंदिर हो, अगर आपको परमेश्वर ने अपना मंदिर कहा है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, अगर कुरिन्थियों का वचन जो मैं आपको बताया हूँ, पहला कुरिन्थी उसका 3:16-17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर में तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। क्यों मालूम है, मंदिर परमेश्वर अपने लोगों से मिलने का स्थान है, लेकिन आज लोग इस मंदिर को लेकर परमेश्वर के कलीसिया में जब जाते हैं, एक 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 बिजनेस सा हो चुका है, एक रीति रिवाज सा हो चुका है, मसीह जिंदगी रीति रिवाज में चल रहा है, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, इसी में हमारा समय बीत रहा है, फास्टिंग लेना रीति रिवाज बन चुका है, आराधना करना रीति रिवाज बन चुका है, लेकिन मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आवाज़ देता है, कब मेरे लोग अपने इस मंदिर के द्वारा आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेगा। और जिस दिन आत्मा और सच्चाई से आराधना हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का महान सकेना, प्रभु का महान उपस्थिति, प्रभु का महान सामर्थ उस मंदिर पर उतर आएगा। और जिस दिन वो मंदिर पर उतर आएगा, वो मंदिर कईयों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अपने मंदिर को ऐसा बनाओ कि परमेश्वर को भाए, प्रभु को पसंद हो। आप अपने मंदिर को ऐसा मत बनाओ जैसा आपको पसंद है। और मंदिर का काम है, बाइबल कहता है, केवल प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका अपना ये शरीर मंदिर परमेश्वर का प्रार्थना का घर है, या केवल रीति रिवाज है? क्या आपके इस मंदिर से प्रभु के लिए प्रार्थनाएँ होती है? प्रार्थना का मतलब क्या है मालूम है? प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर से बातें करना, प्रभु की उपस्थिति में समय गुजारना, प्रभु की उपस्थिति में अपने दिल को खोलकर रख लेना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और प्रभु ने उन सारे सराफों को, प्रभु ने उन सारे कबूतर बेचने वालों को, प्रभु ने उन सारे लेन देन करने वालों को मंदिर में से निकाला। मैं वचन के द्वारा आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी शरीर रूपी हृदय में, मंदिर में, अगर इस तरह का कोई लेन देन चल रहा है, इस तरह का कोई रीति रिवाज चल रहा है, अगर आप कोई रीति रिवाज वाला मसीह है,
अगर आप ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस हैं तो मैं आपसे वचन के द्वारा बोलना चाहूँगा, मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, रीति रिवाज वाला मसीह नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई से अपने जीवित परमेश्वर को आराधना करने वाले बन जाइए, ताकि परमेश्वर का सकेना आपके ऊपर आए, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आए। और प्रभु ने वहाँ से उन सारे चीज़ों को हटाया। ये चीज़ हमें क्या बताती है मालूम है? हम भी अपने हृदय से उन सारे लेन देन वाली सोचों को, उन सारी रीति रिवाजों को, उन सारी ट्रेडिशन को अपने अंदर से निकाल कर एक आज़ादी वाला आराधना, एक आज़ादी वाला प्रभु का जय जीवन हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू मेरा मंदिर है। और प्रभु मंदिर इसलिए बनाया कि मंदिर से केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना किया जाए। अब एक बहुत एक अच्छा बात आपको बताना चाहता हूँ। जब प्रभु ने मंदिर में से उन सारे लेन देन करने वालों को निकाल दिया, सराफों को निकाल दिया, कबूतर बेचने वालों को निकाल दिया और सारी बातें ठीक हो गई, उसके बाद जब 14 वचन पढ़ते हैं, सुनिए क्या है। अरे 14 वचन आपके लिए आशीष के रूप में लीजिएगा। जब मंदिर में से उन सारे वस्तुओं को प्रभु ने निकाल दिया, 14 वचन में लिखा गया है क्या, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। पता है आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके आपका नौकरी, आपका बिजनेस, आपके हालात में चंगाई क्यों नहीं है, आपके जिंदगी में चंगाई क्यों नहीं है, आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है, आपके आर्थिकता में चंगाई की आवश्यकता आज है लेकिन चंगाई नहीं है, आपके शारीरिक बीमारियों में चंगाई की आवश्यकता है लेकिन वह नहीं है, आपकी फैमिली में, परिवार में चंगाई की आवश्यकता है लेकिन वहाँ चंगाई नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि शायद वहाँ पर लेन देन है, शायद वहाँ पर रीति रिवाज है, शायद वहाँ पर गिव एंड टेक पॉलिसी है, शायद वहाँ पर बिजनेस के स्वभाव में हम परमेश्वर के साथ लेन देन करते हैं। प्रभु हमारे लिए बिजनेसमैन जैसा नहीं है या हम उसके सामने बिजनेसमैन जैसा नहीं है। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक बाप बेटे का रिश्ता है। हालेलुया। एक बाप बेटी का रिश्ता है और एक बाप बेटे के रिश्ते के बीच में कोई बिजनेस नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई तरह का ट्रेडिशन नहीं, कोई तरह का रीति रिवाज नहीं, बल्कि परमेश्वर हमारा पिता अगर है तो एक चीज है कि प्रार्थना। इसलिए अपने अंदर से उन सारे चीजों को निकाल दे, एक ट्रेडिशन क्रिश्चियन से बाहर आइए, दिल से, आत्मा से। जब भी आप दुआ करें, चाहे आप 50 साल से मसीह क्यों ना हो, लेकिन अब भी अगर आप प्रार्थना करने के लिए बैठे तो मानो आपका हृदय ऐसा होना है कि आज आपका उद्धार हुआ है। वही खुशी, वही आनंद, वही प्रेम, वही लगाव अपने परमेश्वर के साथ हमारा होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आपका जीवन, आपका शरीर जो मंदिर स्वरूप है, उसमें से रीति रिवाज हट जाएगा, लेन देन हट जाएगा, उसमें से यहाँ वहाँ की बातें हट जाएगी, उस दिन आप चंगे हो जाओगे। क्योंकि यीशु यह सब चीज़ को निकालने के बाद लिखा गया है कि कुछ अंधे आए, लंगड़े आए, प्रभु ने उन सबको चंगाई दिया। अरे वचन हमसे क्या कहना चाहता है? मेरी बेटी, तेरे परिवार में चंगाई की आवश्यकता है, मेरा बेटा, तेरे जीवन में पढ़ाई का आवश्यकता है, मेरा भाई, शायद तेरे पढ़ाई लिखाई में चंगाई की आवश्यकता है। सुन लीजिए परिवार, शायद आपके परिवार में जो अशांति है, वो अशांति को प्रभु चंगाई देकर शांति में बदलना चाहता है। लेकिन प्रभु आपसे उम्मीद करता है अपने मंदिर में से लेन देन करने वालों को निकाल दे और आत्मा सच्चाई से मेरी आराधना कर, क्योंकि लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। हमारा ये शरीर रूपी मंदिर केवल इसलिए बनाया गया, इस मंदिर से प्रभु की उपस्थिति में उससे बातचीत किया जाए, ना कि लेन देन। और बातचीत हम किससे करते पता है? जिसके साथ हमारा अच्छा लगाव है। प्रभु ने इस मंदिर को इसलिए बनाया कि हम उससे बात करें। आपको मालूम है जब यीशु मसीह के पास कभी भी कोई, जैसे मान लीजिए, आपको मैं समझाना चाहता हूँ, जब 5,000 लोगों को खिलाना था तो प्रभु ने उस टोकरी को लिया और पिता को धन्यवाद किया, बात किया अपने पिता से, और उसका पिता उसके बातों के द्वारा 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली खिला दिया। जब वो लाजर को जिलाने गया, वो अपने पिता से बात किया कि हे पिता तू कार्य कर, और हे लाजर बाहर आ,
लाजर वहां से बाहर आ गया। मेरे प्रियो, ये मंदिर प्रार्थना का घर कहलाए, लेन देन नहीं, बिजनेस नहीं, यहाँ वहाँ की बातें नहीं, और अपना जीवन से उन सारे बातों को निकाल दीजिए। देखिए, एक बड़ा चंगाई आपके ऊपर परमेश्वर उड़ेलना चाहता है, एक परमेश्वर का सकेना आपके ऊपर उतरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए ऐसा मंदिर ना बने जहाँ परमेश्वर ये देखे कि आपके अंदर लेन देन हो रहा है, गिव एंड टेक पॉलिसी हो रहा है, आप रीति रिवाज में चल रहे हो, इसलिए आराधना में आते हो, क्योंकि अगर नहीं आओगे तो चर्च से आपका नाम कट जाएगा, इसलिए आराधना में आते हो, अगर नहीं आएंगे तो शायद मेरे बच्चों का जो स्पॉन्सर है बंद हो जाएगा, अगर आप ये सोचते हम नहीं आएंगे तो पास्टर नाराज हो जाएगा, हम नहीं आएंगे तो फैसिलिटीज हमको मिलेंगे नहीं, इन सारी चीज़ों को दरकिनारा करें, अपने खुदा के सामने बोले प्रभु आज तक ये मंदिर मंदिर नहीं था, लेकिन आज से इस मंदिर को मैं मंदिर बनाऊंगा, और इसमें से हर एक डाकुओं का खो जो मैंने बना रखा है निकाल दूंगा और आपके लिए सही करूंगा। क्या तू अपना सकेना मेरे ऊपर उड़े लेगा? मेरा परमेश्वर कहेगा बेटा तू अपने आप को साफ कर, मेरा सकेना तेरे ऊपर उतरने पर है। और जिस दिन उतरेगा, मैं बताना चाहता हूँ, आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्रों में, आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उनके भविष्य में, आपके भविष्य में, आपके आर्थिकता में, आपके जिंदगी में, परमेश्वर एक बड़ा बदलाव ले आएगा। क्यों? क्योंकि आप वो व्यक्ति बन गए हैं जो लेन देन करने वाला नहीं, जो मंदिर को सही रूप में समझा और प्रभु के लिए सही रूप में वो इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे, समझे और इस वचन के अनुसार चले। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।